क्या सोच रही है दिन भर बता रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाए। इधर जैसे ही मैया गई, भगवान की नजर पड़ी नंद महल के द्वार पे दो वृक्ष खड़े हुए हैं। वो वृक्ष कौन है? कुबेर के दोनों बेटे हैं यमला अर्जुन। संत श्राप के कारण वृक्ष बने हुए हैं, मुझे इनका उद्धार करना है। भगवान उखल से नीचे उतरे, घुटवन घुटवन उस भारी उखल को घसीटते हुए महल के द्वार तक ले गए। भगवान तो दोनों वृक्षों को पार कर गए, उखल थोड़ा बड़ा था तो अटक करके रह गया। भगवान ने रस्सी को पकड़ा, धीरे से झटका दिया, दोनों वृक्ष भगवान के ऊपर गिर पड़े। और जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, उन वृक्षों में से दो दिव्य देही पुरुष प्रकट हुए, जो बार बार भगवान का धन्यवाद करते गोलोक धाम की ओर अग्रसर हो गए। भगवान ने यमला अर्जुन का उद्धार किया। इधर सारे गोकुलवासी दौड़ करके आए, वृक्ष की टहनियों को काट के भगवान को बाहर निकाले। यशोदा मैया ने जब ये बात सुनी तो बड़ी भयभीत हो गई। नंद बाबा को कहा, महाराज जब से हमारे कन्हैया का जन्म हुआ है तब से रोज कोई ना कोई दुविधा आती रहती है, क्यों ना हम ये गांव छोड़ करके कोई दूसरा गांव बसा ले जहां हमारा कन्हैया सुरक्षित रह सके। नंद बाबा को भी बात अच्छी लगी, गोकुल छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन बसाया। और वृंदावन में जब मेरे ठाकुर विहार करने लगे तो बिहारी जी का एक नाम हुआ वृंदावन बिहारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की राधे। वृंदावन में श्री ठाकुर जी धीरे धीरे 5 वर्ष के हुए। जब 5 वर्ष के हुए तो भगवान ने देखा मेरे सारे सखा ग्वालवाल श्रीदामा मधुमंगल श्याम सखा सब तो गाय चराने जाते हैं, मैं और ताऊ हम दोनों घर में रहते हैं। मैया से निवेदन किया, मैया हमारे सारे सखा गाय चराने के लिए वन में जाते हैं, हमें भी जाना है। यशोदा मैया ने कहा, लाला अभी तो तू बहुत छोटा है, जब बड़ा हो जाए तो खूब गाय माता की सेवा करना। तेरे बाबा के पास 9 लाख गाय है, जीवन भर सेवा ही तो करना है, ग्वाले का बैठा है तू, अभी छोटा है थोड़ा बड़ा हो जा। ठाकुर जी ने जिद करी कि मुझे आज ही जाना है। जब भगवान ने जिद करी तो यशोदा मैया ने कन्हैया के दुपट्टे में थोड़ा सा कलेवा बांध दिया। कलेवा समझते हो, बाल भोग नाश्ता। कहा भूख लगे तो दोनों भाई आपस में बांट के खा लेना, शाम होने से पहले घर आ जाना। नंद बाबा ने एक बड़ी सुंदर छोटी सी बांस की बांसुरी ला करके भगवान को दी। गाय चराने के लिए वन में गए, यमुना मैया के किनारे बैठ करके कदम की डाली पर बैठ करके ठाकुर जी मधुर मधुर बांसुरी बजाते। दोपहर का समय आया, भोजन का समय आया, सारे बाल बाल इकट्ठे होकर के बैठ गए। आज भगवान ने अपना दुपट्टा खोला और मैया ने जो कलेवा रखा था वो सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांट दिया। रोज रोज मैया घर से प्रसाद रखती, रोज भगवान सबको बांट देते हैं। एक दिन भगवान ने देखा वृंदावन की गोपियां माखन बेचने मथुरा जा रही हैं। भगवान ने गोपियों का रास्ता रोक करके पूछा, हमारे वृंदावन में माखन खाने वालों की कमी है, जो आप माखन बेचने मथुरा जाती हो? गोपियों ने कहा, कन्हैया माखन खाने वालों की कमी तो नहीं है, पर हमें महाराज कंस का कर चुकाना पड़ता है, और हमारे घर में जो गाय माता है वो खूब ज्यादा ज्यादा दूध देती है, दूध ज्यादा होता है तो ज्यादा माखन बनता है, उस माखन को कहाँ रखें, इसलिए बेच बेच के राजा कंस का कर चुका देते हैं। कन्हैया ने सुना, अच्छा ये बात है, तुम्हारे घर में जो गाय माता है वो ज्यादा दूध देती है, तो कल आपसे मिलता हूँ। सब तो अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन भगवान कृष्ण कन्हैया सबसे पहले उठे, आधी रात को उठ गए। सब गोपियों के घर जा जा करके गायों के छोटे छोटे बछड़ों की रस्सियां खोल दी,
सारे बछड़े गायों के पास गए और भोर होने से पहले ही सारा दूध पी गए। गोपियां उठी, दूध दोहने के लिए जब गौशाला में गई, थोड़ा थोड़ा दूध मिला, दूध कम है तो माखन भी कम है, अब कम माखन को कहाँ बेचने जाए। तो सबने अपने अपने घर में एक एक छीका बांध दिया, छीके पे मटकियां रख दी, मटकियों में माखन इकट्ठा करने लगी, जब मटकी भर जाएगी तो बेचने जाएंगे। इधर भगवान रोज गाय चराने जाते हैं। एक दिन महाराज कंस ने एक अघासुर नाम का राक्षस भेजा, जो अजगर का रूप धारण करके आया हुआ था। भगवान ने उसका उद्धार किया। एक बकासुर नाम का राक्षस भेजा, जो बगुले का रूप धारण करके आया था। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। एक धेनुकासुर नाम का राक्षस भेजा, जो बछड़े का रूप धारण करके आया था, उसका भी उद्धार किया। कई सारे राक्षसों का वध भगवान ने किया। एक दिन सारे सखाओं ने माखन खाने की जिद करी, कन्हैया माखन खाना है, कहाँ जाएं? तो भगवान ने कहा कि हमारे वृंदावन के घर घर में माखन है, मांगने पे तो गोपियां देगी नहीं, एक काम करते चुरा करके खा लेते हैं। आज भगवान ने सखाओं के हित में माखन चोरी आरंभ करी। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया तुझे पता है चोरी करने से पाप लगता है, हमारे मैया बाबा तो सोचते हैं कि यशोदा के छोरा के साथ हमारे बच्चे रहते हैं तो अच्छे गुण आएंगे, और तू हमें चोरी करना सिखा रहा है। अरे कान्हा, चोरी करने से पाप लगता है। ठाकुर जी ने कहा कि हाँ बात सही है, चोरी करने पे पाप तो लगता है, पर खाने पीने की वस्तु चुराने का पाप नहीं लगता। खाने पीने की वस्तु चुराने का पाप नहीं लगता, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के किराना स्टोर में जाके और वहां से खूब सारे ड्राई फ्रूट चुरा करके ले जाओ, किसी की दुकान में आप डाका डाल दो, या किसी के घर से गेहूं का बोरा उठा करके ले जाओ, ये भी तो खाने के हैं। संत कहते कौन सी वस्तु चुराने का पाप नहीं लगता, अगर आप भूखे हैं और सामने भोजन तैयार है, मांगने पे भी सामने वाला नहीं दे रहा है, तो अपनी तृष्णा मिटाने के लिए यदि वो भोजन आप चुरा के भी खाएं तो पाप नहीं लगेगा। भगवान सखाओं के साथ गोपियों के घर जाते, माखन चोरी करते, सारी गोपियां बड़ी खुश हो जाती, कन्हैया हमारे घर आता है, हमारे घर का माखन खाता है। एक गोपी जिसका नाम है प्रभावती, सबके घर तो भगवान जाते हैं पर प्रभावती के घर नहीं जाते। प्रभावती को बड़ा दुख होता है, न जाने मेरे माखन में मेरी भक्ति में क्या कमी है, वो कन्हैया मेरे घर नहीं आता। एक दिन यमुना जी के किनारे जब सारी गोपियां बैठ करके भगवान के बारे में चर्चा कर रही थी, कन्हैया मेरे घर आया था, माखन चोरी करी थी, प्रभावती ने अपने मन को समझाने के लिए उन गोपियों से कहा, अरे तुमने ना वो नंद के छोरा को अपने सिर पे बैठा रहा क्यों है, कभी उसे डराया धमकाया तो है नहीं, जब मन होता है मन उठाया आता है, चोरी करके माखन खाता है, मुझसे तो इतना डरता है, माखन चुराना तो दूर की बात, कभी घर के सामने से भी नहीं निकलता। ये बात प्रभावती के देवर ने सुन ली, जिसका नाम था मधुमंगल, और वो भगवान के जो बाल गोपालों की मंडली थी उसका सीआईडी था। कहीं पे भी कोई बात होती थी तो आके बताता था, आज कौन सी गोपी के घर ताजा माखन बना है, आज कौन सी गोपी माखन बेचने जा रही है। जैसे ही उसने ये बात सुनी, दौड़ करके भगवान के पास आया, अरे कन्हैया मैंने एक बहुत बड़ी बात सुनी है। क्या सुना? मैंने सुना है कि तू मेरी भाभी से डरे है। ठाकुर जी कहे, क्या कहा? अरे कन्हैया मैंने सुना है तू मेरी भाभी से डरे है। ठाकुर जी कहे, जा हम हमारे मैया बाबा से नहीं डरे, तेरी भाभी से काय को डरेंगे। मधुमंगल कहे, कन्हैया मेरी मैया की सौगंध यमुना जी के किनारे सकियन के साथ बैठ करके मेरी भाभी सकियन ते कह रही थी, नंद को छोड़ा वो तो इतनो डरे है, माखन चुराना तो दूर, कभी घर के सामने से भी नहीं निकलता। भगवान कहे, अच्छा तेरी भाभी की इतनी मजाल, झूठी बदनामी कर रही है, चल आज उसी के घर माखन चुराएंगे।
प्रभावती तो अभी यमुना तट पर ही है, भगवान सखाओं को साथ लिए प्रभावती के घर पहुंच गए। घर का दरवाजा बंद है, घर के पीछे जाकर के देखा तो एक छोटी सी खिड़की खुली हुई थी। उस खिड़की के द्वारा एक एक करके सखाओं के साथ भगवान प्रभावती के घर आ गए। पूरे घर में माखन ढूंढ लिया, माखन कहाँ रखा है, मिला नहीं। एक सखा ने कहा कि माखन की मटकी तो छीके पर रखी है, छीका तो बहुत ऊपर है, कैसे उतारे, कोई टेबल कुर्सी नहीं है। तो भगवान ने कहा एक काम करो, चार सखा नीचे बैठ जाओ। चार सखाओं को नीचे बिठाया, दो सखाओं को उन चार सखाओं के कंधे पे बिठाया। उन दो सखाओं के कंधे पे ठाकुर जी खड़े हो गए, मटकी में से माखन निकाल के थोड़ा थोड़ा सभी को खिलाया, सबका पेट भर गया, पर वो मटकी एकदम खाली नहीं हुई, थोड़ी बहुत खाली हुई। ठाकुर जी ने विचार किया, गोपी को पता कैसे चलेगा कि मैं आया था। मधुमंगल अगर तू कहे तो तेरी भाभी की मदद कर दूं, कहे कि अरे बेचारी रोज अपने घर में अकेली पोथा लगाती है, पोथा समझते हो, घर को लीपना, अकेली रोज घर को लीपती है, तू कहे तो आज मैं लीप देता हूं। मधुमंगल ने कहा जो तेरी मर्जी में आए वो कर। ठाकुर जी ने माखन की मटकी छीके से नीचे गिराई, मटकी तो टूट गई, टुकड़े बाहर फेंक दिए और पूरे घर में माखन को लीप करके खिड़की के पास जाकर के खड़े हो गए। सब ग्वाल बाल तो चले गए, प्रभावती आई, घर का दरवाजा खोला, जल की भरी मटकी माथे पर रखी है। जैसे ही पहला कदम रखा, पैर फिसला, धड़ाम से गोपी गिरी और सर के जल की मटकी टूट गई। गोपी ने अपने आप को संभाला, उठ करके खड़ी हुई, इधर उधर देख रही है मुझे किसी ने देखा तो नहीं। तो क्या देखा, खिड़की के पास खड़े होकर के कन्हैया जोर जोर से हंस रहे थे। गोपी ने कहा तूने मेरे घर में माखन चोरी करी। ठाकुर जी कहे नहीं, हम तो आपसे डरते हैं, हमने माखन नहीं चुराया। अरे मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ, आज अगर तेरे घर में दीवार नहीं होती तो तेरा पांव तो ऐसे फिसला था कि सीधे पीहर पहुंच जाता। अब दीवार को धन्यवाद करके तुझे बचा लिया, कह करके चले गए। गोपी को बड़ा अच्छा लगा, कन्हैया मेरे घर तो आया। एक बार तो भगवान का दर्शन गोपियां तब कर लेती हैं जब भगवान माखन चुराने आते हैं। दूसरी बार दर्शन करने का मन हो तो गोपियां इकट्ठी होकर के यशोदा मैया के पास शिकायत करने चली जाती हैं, तेरे लाला ने मटकी तोड़ी है, तेरे लाला ने माखन चुराया है। एक दिन जब सारी गोपियां इकट्ठी होकर के शिकायत करने मैया के पास गई तो मैया ने गुस्से में आकर के कह दिया, अगर मेरा कन्हैया माखन चोरी करता है तो तब मानू जब कभी रंगे हाथ पकड़ करके दिखा दो। ये बात सुनी गोपियों को थोड़ा बुरा लग गया, अब तो या के छोरा को रंगे हाथ पकड़ के दिखाएं। सब अपने अपने घर में पहरा देने लगी, खूब पहरा देती पर कब कन्हैया आए, कब माखन चुराए, कब चला जाए पता ही नहीं चलता। एक गोपी ने कहा तुम सब तो नहीं पकड़ पाई, आज मैं पकड़ के दिखाऊंगी। एक परात में पानी भर के परात छीके पे रख दी, पानी के परात में माखन की मटकी रख दी, शीके के नीचे अपना पलंग बिछाया और सो गई। कन्हैया आएगा, शीके को हाथ लगाएगा, शीका हिलेगा, परात का पानी मेरे ऊपर गिरेगा, मेरी नींद खुलेगी, मैं उसको पकड़ के उसकी मैया के पास ले जाऊंगा। भगवान माखन चोरी करने आए, देखा या गोपी तो बड़ी चालाक है। सखाओं ने कहा अब क्या करें, तो भगवान ने कहा कि ज्यादा शोर मत करना, एक काम करो धीरे से इसका पलंग उठाओ और घर के कोने में रख दो। पलंग उठा के घर के कोने में रख दिया, वही चार सखाओं को नीचे बिठाया, दो सखाओं को उनके कंधे पे, दो सखाओं के ऊपर खड़े होकर के ठाकुर जी ने माखन चोरी करी, सबको खिला दिया, स्वयं ने भी खाया। जब जाने लगे तो गोपी पे नजर गई, गहरी नींद में सो रही है, आंखें बंद है, मुंह खुला है, खर्राटे ले रही है।
ठाकुर जी को दया आ गई, बेचारी मेरा ही तो इंतजार कर रही थी। अब अगर इसको प्रसाद नहीं दूंगा तो मुझे तो पाप लगेगा, क्या करूं। सारे सखा तो चले गए, भगवान ने छोटा सा माखन का लोना बनाया, गोपी के पास गए, जाके उसके मुंह में वो माखन का लोना रख दिया। जैसे ही माखन का लोना रखा, श्वास रुक गई, घबरा करके गोपी उठी, ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी विचार कर रहे हैं, किसी ने सही कहा है, अगर मुझे इस पे दया नहीं आती तो आज ये मुझे पकड़ भी नहीं पाती, दया ही दुख का कारण है। गोपी ने कहा, चल तेरी मैया के पास, तेरी माँ ने हमको कहा था कि मेरे लाला को पकड़ करके लाना, चल आज। बड़े गुस्से में गोपी जाने लगी। ठाकुर जी विचार कर रहे हैं, अब क्या करूं। भगवान गोपी को कह रहे, गोपी तो कुछ शर्म नहीं आती। गोपी कहे, काई की, अरे इतने बुजुर्ग बुजुर्ग ग्वाले बैठे हैं, तूने घूंघट भी नहीं ले रखा, थोड़ी तो शर्म कर। गोपी ने घूंघट कर लिया, शाम का समय है, गोपी ने घूंघट ले रखा है, खूब ज्यादा गुस्से में है। और मैंने सुना है जब हमारी मैयाओं को माताओं को गुस्सा आता है तो आधे से भी कम दिखता है। अगर कभी कभी रसोई घर से खूब बर्तनों के बजने की आवाज आए तो घबराना मत, समझ लेना कि घर की लक्ष्मी ने महाकाली का रूप धारण किया हुआ है। समय आने पर शांत हो जाए। बड़े गुस्से में गोपी भगवान को लेकर के जाने लगी। सामने से उस गोपी का देवर आ रहा था। इशारे से पूछा, कन्हैया ये कौन है, तुझे कहां ले जा रही है। ठाकुर जी ने इशारा किया, मैं तो नहीं जानता कौन है, पर जो भी है बहुत सुंदर है, जबरदस्ती मेरे साथ ब्याह करना चाहती है तो हाथ पकड़ के मंदिर में ले जा रही है। मैं तो मेरी मैया का इकलौता छोरा हूं, अभी बहुत छोटा हूं, ब्याह नहीं करना चाहता। हाँ, अगर तुझे ब्याह करना हो तो तू आजा, तेरा ब्याह हो जाएगा, तो बड़ा भी हो गया। उसने कहा कि क्या करूं आके। बोले, करना कुछ नहीं, बस मेरे साथ साथ चलना। साथ साथ चलने लगा तो ठाकुर जी गोपी से कह रहे, गोपी तूने ना मेरे ये हाथ की कलाई बड़ी देर से कस के पकड़ रखी है, दर्द होने लग गया, ये वाली कलाई छोड़ के मेरे ही दूसरे हाथ की कलाई पकड़ ले। बड़ा सुंदर भाव किसी साधक का है, ग्वाले ने मत पकड़े मेरी भैया, मेरी दुखे नरम कलैया। हो ग्वाले ने मत पकड़े मेरी भैया।